तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो कितना ज़्यादा हाइट में और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये लाइटिंग के वजह से। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम एक ऑटोमेटिक शुगर कैन फार्म बनाने वाले। आपको पता होगा न्यू अपडेट में है ना विदाउट बोन मिल का होता नहीं है, लेकिन आज हमें ना एकदम जाइंट बनाने वाले, अल्ट्रा जाइंट, वो भी बिना बोन मिल के है ना वर्क करेगा। आपने देखा होगा टेक्नो गेमर का कितना बड़ा है, तो आज हम उतना ही बड़ा बनाने वाले, एकदम 7-8 ब्लॉक, एक मतलब 7-8 लेयर एक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जाइंट बनाने वाले। पॉकेट एडिशन में शायद ही किसी ने इतना बड़ा बना होगा और काफ़ी ज़्यादा ये प्रोवाइड करने वाला है। जितना हम इसको बड़ा बनाने वाले हैं ना, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही प्रोवाइड करने वाला है शुगर कैन, मतलब शुगर कैन की कमी दूर हो जाएगी। हमारे पास फार्म तो ये वाला फार्म तो 1.16 का है, ये वर्क नहीं करता, मैंने अभी तक इसको तोड़ा नहीं है। हमने है ना जमीन मतलब हमारे घर के नीचे है ना देख सकते हो एक एरिया है जहाँ पे है ना मैंने शुगर कैन लगाया है, वहाँ पे भी बहुत सारे शुगर कैन है लेकिन वहाँ से तोड़ना पड़ता है। लेकिन आज हमें ना ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं, ऑब्जर्वर पिस्टन और जो जो सामान लगता है उसको तो मैंने कलेक्ट कर दिया, बस आपको एक बार दिखा दूंगा, आप भी बना सकते हो इतना जायंट। लेकिन इतना जायंट बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, हम तो इसलिए बना रहे क्योंकि बस ऐसे फन के लिए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला इसको बनाना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान लगेगा। तो अगर आप देख सकते हो ये दो चेस्ट है ना, अच्छा है हमने ना शेल्कर बॉक्स बनाया, इसमें ना सब सामान रखा है, देख सकते हो ऑब्जर्वर पिस्टन साइट सॉरी 60 और 64 दो स्टैक है, और ये ग्रास का क्या है, ग्रास ब्लॉक भी है, और आप यहाँ से देख सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये वाले ब्लॉक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि क्ले व्ले कलेक्ट करना पड़ता है, इसको तो हम सिल्टर से ही कलेक्ट कर लेते हैं, सिल्टर से स्टोन कलेक्ट करके डायरेक्ट तोड़ लो। तो इसको मैं पहले कलेक्ट करता हूँ सिल्टर चाहिए मेरी पिकैक्स में, और हम मतलब मैं है ना सोच रहा था पहले कि मैं है ना इसको यहाँ पे बनाऊँ, फिर मैं सोचा यहाँ पे बहुत अजीब लगेगा यहाँ पे इतना बड़ा, तो मैंने ना थोड़ा सा दूर बनाने का सोचा। तो मैंने सोचा ये आयरन फार्म हमारा काफ़ी सही है, तो ये आयरन फार्म के हम उधर साइड में बनाते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो वहाँ पर बनाएंगे ना काफ़ी सही होगा, दूर भी है थोड़ा सा और हमको अजीब नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा इतना पास बनाएंगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ ये वाले घर को तोड़ के यहाँ पर बनाते, वो वहाँ पे बनाना थोड़ा दूर पड़ जाएगा, तो मैं सोचा ये जगह काफ़ी सही है, तो आई थिंक ओके यही जगह सही है। मैं ना वो जगह पे नहीं बनाता, कैंसिल करते मैं यहीं पे बनाने लगता हूँ, मतलब मुझे ना ये वाले सबको तोड़ना पड़ेगा, तो आई थिंक यहाँ पे सही रहेगा, बहुत पास भी पड़ेगा और काफ़ी आसान मतलब आसानी से हमारे रेंज में आएगा तो वर्क करेगा। तो चलिए गाइस पहले ना मैं ये पूरे के पूरे घर को तोड़ता हूँ, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए, बेकार में काम बढ़ गया, तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ ये पूरा का पूरा तोड़ने के बाद। तो बस फाइनली हमने ना ये घर को पूरा ख़त्म कर दिया, तो है ना हम लोग एक ये वाले डायरेक्शन से बनाएंगे सामने की साइड और ये डायरेक्शन से सामने की साइड। तो पहले है ना मैं यहाँ पे एक ब्लॉक रखता हूँ 1 मिनट, जिसके ऊपर हम शुगर कैन उगाएंगे उसको रखना है हमको। तो हम लोग उगाने वाले शुगर कैन को 1 मिनट। एक चीज़ बाकी है, मैं स्टेयर्स लाना भूल गया 1 मिनट, स्टेयर्स शायद मैंने कहीं पर रखा होगा। तो स्टेयर्स में क्या होता है, हम स्टेयर्स में रख सकते पानी को, और पानी को कुछ होता नहीं। 1 मिनट शायद से मैं स्टेयर्स ओके 1 मिनट मुझे बना के ही लाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बनाया नहीं 1 मिनट, मैं अभी आता बना के। तो फाइनली मैंने स्टेयर्स बना लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अभी है ना यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना मुझे इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसके बाद एक इसको यहाँ पे 1 2 हो चुका है, ये 3 ये 4 ये 5 और 6 और ये 7 हो चुके हैं। 1 मिनट 7 वाले को मुझे ना ये डायरेक्शन से लगाना था, क्योंकि क्या है कि इससे ना पानी इसके ऊपर ही रहेगा और कहीं जाएगा नहीं, और हम जिसके ऊपर है ना उगाने वाले वो चाहिए, जैसे कि हमें ना ग्रास ब्लॉक को उगाने वाले। आपको शायद पता नहीं, शायद पता होगा ग्रास ब्लॉक और नॉर्मल क्या बोलते हैं सैंड पे, दोनों पे है ना इक्वली उगता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको सैंड पे जल्दी उगेगा और बाकी पे नहीं उगेगा जल्दी। अब है ना आपको इसके अंदर पानी डालना है पूरा का पूरा, ऐसे ही रिपीट कर करके हमको ना एकदम ऊपर तक जाना है। तो इसके अंदर हम पानी डालते हैं, और ये तो अच्छा हम इतना पास बना रहे हैं तो हमको पानी की कमी नहीं होगी। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली ये लग चुका है ना, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, उसके बाद ऑब्जर्वर लगाना है। तो मैं यहाँ पे यही ब्लॉक लगाने वाला हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि अभी आपको पता चलेगा ये कैसा है। तो पहले ना मैं इधर ब्लॉक लगा देता हूँ 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मैं पानी के ऊपर क्लिक करूँगा तो नहीं लगेगा। अब है ना मुझे यहाँ पे पिस्टन लगाना है जो है कि इसको काटने वाला है जो यहाँ पे शुगर कैन उगेगा, और इसके ऊपर हमको ऑब्जर्वर लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर हमको अपोजिट साइड से लगाना पड़ेगा, तो 1 मिनट यहाँ से मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा तभी काम होगा। तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बनाने वाले, अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कितना बनेगा, तो मुझे ना इस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे टेम्प्रेरी ब्लॉक लगा देता हूँ, जिससे कि मैं इसके ऊपर जाके अपना काम करने वाला हूँ। तो मुझे है ना कुछ इस साइड से 1 और ये 2 और ये 3 फाइनली हो चुका है। पहली बार मैं इतना बड़ा फार्म बनाने वाला हूँ, आप भी देख के हैरान हो जाओगे, बहुत ऊंचा होगा। बस हमारा हो चुका है, और यहाँ पे हमारा शुगर कैन लगेगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, जब भी बड़ा होगा ये काटेगा। और मुझे ना पीछे रेडस्टोन का कनेक्शन लगाना है, वो मैं बाद में लगा दूंगा। और ये जो बेकार के टेम्प्रेरी ब्लॉक मैंने लगाया ऊपर चढ़ने के लिए, मैं ना स्कैफ होल्डिंग लाना भूल गया 1 मिनट, मैं अभी स्कैफ होल्डिंग भी लेके आता हूँ। तो बस आपको देख सकते हो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे ही ऊपर 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 बनाते जाना है। तो कम से कम 7-8 लेयर बनेगा, मैंने कैलकुलेट किया है, इसके 2 बनेगा, एक यहाँ पे भी बनेगा। तो सेम टू सेम पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा मैं करने क्या वाला हूँ, जिससे
ये 7-8 लेयर बनेगा। ओके हाँ, नाइट भी होना है ना, तो हम सो के आते हैं फटाफट। Few inches later. तो आप देख सकते हो हमने दो साइड का बनाया और दिखने में कुछ ऐसा लगता है, और ये देख सकते हो बहुत ऊपर गया। तो इससे है ना ऐसा सेम टू सेम लेयर बहुत ऊपर जाने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, आपको पता चलेगा एक मिनट, यहाँ पे भी हमको कुछ लगाना है, जैसे कि यहाँ से ना वाटर आने वाला है और सब कुछ कलेक्ट करने वाला है। तो मैं पहले है ना आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं एक मिनट, तो हमारा कहाँ लगेगा, तो वो साइड से यहाँ पे आ सकता है, या फिर मैं एक ही जगह पे भी कलेक्टिंग सिस्टम बना सकता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग जगह पे बनाऊँगा, या फिर यहाँ पे सेंटर में बना सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक मिनट में अभी आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो ऐसे ही मैं तो डबल लेयर करूँगा, अभी तो रेडस्टोन भी लगाना है, तो पहले रेडस्टोन लगा के इसको एक्टिवेट करते हैं, अगर एक दो ग्रो होते तो काम आएगा। तो देख सकते हो यहाँ से ऊपर चलते हैं हम, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, और बस हमको यहाँ पे इस तरीके से रेडस्टोन लगा देना है, ताकि ये ना जितना भी सिग्नल है ना पिस्टन तक पहुँचे, और ये पिस्टन इसको काटेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ से चलता हूँ और इस साइड भी लगाता हूँ, तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने हर जगह पे लगा दिया। अभी है ना हमको एक चीज़ करना है, हमको ना ये हटाना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या मतलब था। तो इसको हटा के मैं यहाँ पे कलेक्टिंग एरिया बनाऊंगा। ओके यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा मैंने खोद दिया, तो इसको हटाते हैं। और एक मिनट यहाँ तक मुझे हटाना है, तो इसको हटा देते हैं। और मैं ना यहाँ पे एक बकेट ऑफ वाटर डालूंगा। अभी बकेट ऑफ वाटर किधर है भाई, तो एक बकेट ऑफ वाटर लेके यहाँ पे हमको डालना है। तो देख सकते हो यहाँ से जितना भी शुगर कैन कटेंगे ना, एकदम ऊपर से नीचे कट के गिरेगे और यहाँ तक आएंगे, और यहाँ पे जाके कलेक्ट होगा, या फिर मैं है ना यहाँ से अलग बना सकता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से वाटर को कलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे हमारा हॉपर लगेगा और चेस्ट, और यहाँ से है ना मैं ज़मीन के नीचे बनाऊंगा रास्ता जाने का, और वो चेस्ट को हम कलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी आइटम होगा। तो देख सकते हो ये एक ही लेयर बना है, ऐसे ही हमको है ना अभी भी 6-7 लेयर बनाना है। और सोच रहा हूँ कि मैं ये साइड से बनाऊँ, हर एक डायरेक्शन से बनाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले है ना मैं इसको है ना 5 लेयर ऊपर करता हूँ, अगर मेरे पास स्टिकी मतलब पिस्टन और ऑब्जर्वर बचेंगे तो मैं यहाँ पे भी खड़ा कर दूंगा एक और लेयर। तो चलिए इसको है ना हम फटाफट ऐसे ही मेरे को मल्टीप्लाई करना है, एक 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 करते जाना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम लोग है ना यहाँ पे ग्लास लगाने वाले, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ग्लास की ऐसी लेयर होगी यहाँ पे, और जितना भी सामान होगा इसके ऊपर आएगा। और आप देख सकते हो मैं पहले इसको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से लेयर जाएगा हर एक मतलब पूरे साइड से, तब है ना अच्छे से बना देता हूँ 5-6 लेयर, तब आपको सही लगेगा। अभी है ना देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि पूरा अभी तक रेडी नहीं हुआ ना, तो देख सकते हो इतना ही दिख रहा है, ऐसे ही मुझे बहुत सारे बनाना है। तो चलिए 2-3 और लेयर बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 6.5 hours late. तो गाइस देख सकते हो ये कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अभी भी है ना काम चालू है, मैंने एक लेयर बनाया, दूसरे लेयर पे भी शुगर कैन नहीं लगा, शायद हम भूल गए। और देख सकते हो तीसरा चौथा, तो 4 लेयर हम बना चुके हैं। अभी हमको 5वां 6ठा पता नहीं कितने बनने वाला, खुद हमको नहीं पता। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ये मतलब पिस्टन बचे हुए हैं, और स्टिकी पिस्टन, ये क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर भी बचे। तो आई थिंक ये 4 लेयर हो चुके हैं ना, और 5वां बन रहा है, एक मिनट गिनता हूँ। तो 4 हो चुके हैं और 5वां कंटिन्यू है, मतलब ऐसे है ना 7 लेयर बनाने का सोचा है। और अगर और भी बचेंगे स्टिकी पिस्टन, तो मैं ना सोच रहा हूँ यहाँ पे भी एक और लेयर खड़ा कर दूँ एकदम। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एपिक लग रहा है मेरे को तो। और ये मैंने अलग अलग ब्लॉक लगाया ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑसम लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये जो ग्लास है ना, इसको भी तोड़ के ना ये वाले ब्लॉक से मैं कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि इतना मेहनत लगा ये ब्लॉक को बनाने में, तो थोड़ा अच्छा लुक तो होना चाहिए। और पता है आप लोग कहोगे कि सैंड यूज़ करो, तो सैंड इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो ये सैंड हवा में नहीं टिक सकता, अगर सैंड लगाए तो वो नीचे नीचे गिर जाएगा, इसलिए हम है ना ये ग्रास ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। और आपको तो पता है ग्रास ब्लॉक कैसा होता है, ग्रास ब्लॉक नीचे भी नहीं गिरता, तो काफ़ी सही है। और यहाँ पे मुझे पहले कलेक्टिंग एरिया बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ ये जो शुगर कैन बड़े हो रहे हैं ना, टूट के नीचे गिर रहे और डिस्पोन हो रहे हैं, तो इसको सब मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले ओके यहाँ पे मैं ना गलती से एक मिनट, शायद से मैं सही है, मेरे को है ना एक मिनट मेरे को देखने दो। एक यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे ना ये वाला ब्लॉक आएगा, मैं गलती से ना यहाँ पे ग्लास लगा रहा हूँ, इसको तोड़ के मुझे ना चेंज करना पड़ेगा। रुको इस साइड चेक करता हूँ, तो यहाँ पे एकदम सही है, तो मुझे ना यहाँ से ग्लास हटाना पड़ेगा। लेकिन आप सच बताना कैसा अमेजिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ी बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो इसको है ना फटाफट हम कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको फटाफट हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, और अगर हो सके तो ये 2 लेयर में ख़त्म करते हैं, या फिर तीसरा भी चालू कर देते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से बनाया ऊपर जाने का, तो ऊपर जाके फटाफट करें। यहाँ पे मैंने तोड़ा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि मैं जाके कलेक्ट कर सकता हूँ जब तक कलेक्टिंग चैम्बर नहीं बन जाता। तो चलिए इस काम को हम फटाफट ख़त्म करते हैं। तो बस अभी हमने 2 लेयर तो कंप्लीट कर दिया, अभी है ना मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको भी कंप्लीट कर दे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है टोटल। तो अभी आप देख के हैरान हो गए, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें देख सकते हो अच्छे से मैंने बनाने की कोशिश की, और काफ़ी अलग लग रहा है। मैं यहाँ बस मैं यहाँ पे भी एक तीसरा लेयर बनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि एक है ना हम कलेक्टिंग चैम्बर बना दें, क्योंकि जो जो ये शुगर कैन कट के आ रहे वो वेस्ट हो रहे, तो मैं सोचा यहाँ पे लगाते। तो एक मिनट थोड़ा पीछे आते हैं,
और यहाँ पे ये लगा देते हैं। अब बस है ना, बाहर से मुझे गड्ढा खोद के ना इसके नीचे जाना है और चेस्ट वेस्ट लगाना है। तो मैंने ये इतना सारा इसलिए बनाया था हॉपर, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत लगेंगे, बट कोई बात नहीं। अब एक मिनट, मेरी एक इधर है, ये रहे शवल। तो बस मेरे को है ना यहाँ से एकदम नीचे जाना है, तो ये देख सकते हो वहाँ पे होगा ना, तो मैं ना चार ब्लॉक नीचे जाता हूँ, इतना सही रहेगा। और बाकी सारे किधर है मेरे टूल्स, तो बस देख सकते हो हमको हॉपर मिल चुका है। अभी है ना ये हॉपर को मैं है ना एकदम क्राउच होकर कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक मिनट, कहाँ से सही कनेक्ट हुआ ना, हमको बस इसको नीचे चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे एकदम सही कनेक्ट हुआ। तो ओके, तो कोई एरो मार रहा है शायद किसी को, जाने दो। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ चुके फाइनली। अब है ना मैं खोद के सोच रहा हूँ कि इसको है ना मैं मल्टीप्लेयर मतलब बहुत सारा बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक से है ना ये जल्दी भरा जाएगा। तो ओके, यहाँ पे नीचे पानी भी है, मेरे को संभल के करना पड़ेगा। तो मुझे ना एक मिनट यहाँ से थोड़ा ब्लॉक करता हूँ मैं, तो इसको भी खोद के मैं कलेक्टिंग चैम्बर बनाता हूँ। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ हॉपर वॉपर, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में, तो मेरे को ना एकदम अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक एकदम सही है, मैं और भी लगा सकता हूँ, हर एक डायरेक्शन से मैं थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी वेस्ट हो। क्योंकि यहाँ पे सैंड है यार, यहाँ से नीचे गिर जाएगा तो गड़बड़ होगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से नीचे खोदता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ना इस तरीके से हॉपर लगा देता हूँ। हो गया, तो तीन चेस्ट इनफ हो गए शायद से। ये नहीं खुलेगा तो कोई टेंशन नहीं, इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी है ना मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा हटा लेता हूँ टेम्पररी, और मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, क्या नाम है, ये स्टेयर, जिससे कि ये एटलीस्ट खुले। तो सबसे पहले ना मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, बस होप करें ऊपर से पानी वानी ना गिर जाए, नहीं तो भाई गड़बड़ हो सकता है। तो आई थिंक अब खुलेगा, देखते हैं। ओके, खुल सकता है। तो अब है ना मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे लुक ख़राब लगता है। तो कलेक्टिंग टेबल भी बन चुका है और दो लेयर हमने बना लिए पहले से। तो ओके, यहाँ पे से इसको भी बंद कर देते हैं, और ये जो बेकार का लुकिंग है इसको मेरे को चेंज करने दो। यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, और इसको भी मुझे थोड़ा सा नीचे खोदना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे पानी वानी कहाँ से आ रहा है मेरे को? ओके, यहाँ पे शायद नीचे, ओके हाँ पानी है, हाँ नदी है। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा उतना। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, इसको मैं बाद में चेंज कर दूँगा, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं और चल के अपना तीसरा लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, ऊपर से हमको शुगर कैन भी लगाना है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। One eternity later. तो कैसे आप लोग देख सकते हो, फाइनली हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तीन लेयर मैंने पूरा का पूरा बना दिया। बस है ना मुझे यहाँ पे क्या ये नाम क्या यार ग्लोस्टोन लगाना है, ताकि ना यहाँ पे रोशनी वोशनी रहे और थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ग्लोस्टोन थोड़ा चमकता है ना, तो अच्छा लगता है देखने में। तो अभी बस हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे ग्लासेस लगा देना है। मैं ग्लासेस लगाना, क्योंकि ब्लॉक लगाऊँ ना तो स्लैब लगाना पड़ेगा या फिर लीव्स, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगा। ग्लास लगाऊंगा तो रोशनी आएगा तो कोई स्पॉन नहीं होगा। चलो अब नीचे चलते, क्योंकि हमारा काम तो खत्म हो चुका है। तो पता नहीं हमने कितने लेयर, तीन लेयर तो मैंने मतलब तीन ये लाइन तो बनाया, लेकिन एक के ऊपर शायद छः लेयर है या फिर सात लेयर है, मैंने काउंट नहीं किया। तो अभी चलो हम कैलकुलेट करते, तो अभी देखते शायद से। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा भाई यहाँ पे ग्लासेस का काम खत्म कर रहा है, और बस यहाँ पे ग्लासेस का काम बाकी, ये होने के बाद अपना काम हो गया। तो देख सकते हो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा है तीन का, मैंने सोचा पाँच का रखूँगा, लेकिन पाँच के में ना मेरे को थोड़ा कमी पड़ रही थी सामान की, तो मैंने बोला चलो ख़त्म करते। कितना लेयर है? 1 2 3 4 5 6 6 से काफ़ी सही है। अभी है ना यहाँ पे मैंने कलेक्टिंग चैम्बर बनाया, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बट अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा और बाकी कलेक्टिंग चैम्बर में। तो यहाँ पे 11 आ चुके हैं, और अभी आना भी स्टार्ट किया, काफ़ी सही, 11 11 22 काफ़ी सही है। और है ना ये वाला आप देख सकते हो, ये साइड वाला है ना यहाँ पे कलेक्टिंग चैम्बर बनेगा, मतलब दो बनेगा अलग अलग, कि इसको है ना वहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा हॉपर वेस्ट होगा। तो हॉपर वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे है ना मैं दो हॉपर लगा के एक नया ही बना दूँ। तो चलिए है ना पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं, खाली ये ग्लासेस लगाना है यहाँ पे, और एक यहाँ पे इसके नीचे एक हॉपर लगा के कलेक्टिंग चैम्बर बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़े से देर में मैं आपसे मिलता हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, अपना काम तो खत्म हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और देख सकते हो कितना ज़्यादा हाइट में और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये लाइटिंग के वजह से। और फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया, दो किलिंग चैम्बर मतलब सॉरी किलिंग चैम्बर क्या कलेक्टिंग चैम्बर बना दिया, और कलेक्ट होने वाले वहाँ से आप नीचे जा सकते हो। एक चेस्ट वहाँ पे लगाए, ये दो को कलेक्ट करने के लिए एक चेस्ट लगाए, सीपीएस सिंगल को कलेक्ट करने के लिए। तो पता है कितना होता है टोटल? तो ये 7 × 6 = 42, और 42 और 5 × 6 मतलब 30, 42 कितना होता है 84, और 30 मतलब टोटल हमारे पास 112 मतलब 112 ये लगे हुए पिस्टन, और ये क्या नाम है इसका नाम ऑब्जर्वर, मतलब 112 शुगर कैन भी लगे हैं, मतलब टूटेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अभी अभी मैंने इसको चालू किया है, और अभी अभी थोड़े बहुत आ चुके हैं, बट थोड़े बहुत हुए अभी अभी इसको स्टार्ट किया ना इसलिए, और शायद से कोई गलती तो नहीं होगी, बट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वर्क करेगा अगर कुछ भी गलती नहीं होगी। तो कहीं कहीं रेशन छूट गया होगा तो वो अलग बात है, उसको फिक्स कर देंगे अगर कुछ गड़बड़ हुआ। तो फाइनली देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलिए गाइस बहुत ज़्यादा काम कर लिया अभी ना, और थोड़ा बहुत खेलने का भी ताकत नहीं है। तो मिलते हैं अगले माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।